पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। इसी बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, तिहाड़ जेल से जुड़ी हुई यह खबर है। इसके मुताबिक तिहाड़ के पूर्व डीजी और सीनियर आईपीएस संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। संदीप गोयल के डीजी रहते हुए तिहाड़ में हो रही ताबड़तोड़ वारदातों और सुकेश चंद्रशेखर केस को लेकर सवालों और फिर विवादों के चलते ये बड़ा फैसला, सुकेश ने उन पर 12 करोड़ से ज्यादा की प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप भी लगाए थे। एलजी ने कुछ ही दिन पहले तिहाड़ जेल से हटाया था संदीप। 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तिहाड़ जेल से जुड़ी हुई, तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और सीनियर आईपीएस संदीप गोयल को सस्पेंड किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। संदीप गोयल के डीजी रहते क्योंकि कई विवाद हुए तिहाड़ में, कई तरह की वारदातें हुई। ये मामला तब बढ़ा जब सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया। और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमें इस खबर पर देंगे। मुकेश, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी अपडेट यही है कि जो गृह मंत्रालय है उसने 1989 बैच के आईपीएस संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड गोयल सॉरी जो संदीप गोयल है वो तिहाड़ जेल के डीजी रहे हैं और उनके डीजी रहने के दौरान आरोप ये लगा कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से 12 करोड़ से ज्यादा की प्रोटेक्शन मनी ली है। ये आरोप खुद सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था। इसके अलावा जब वो डीजी थे तो लगातार तिहाड़ में कई वारदातें हो रही थी, कई कैदियों के मर्डर हुए, लगातार तिहाड़ जेल से मोबाइल से जो कैदी है वो बात करते थे, जो वेपन है वो पकड़े जा रहे थे। तो सुकेश का जो मामला था वो काफी गंभीर था और सुकेश ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं जहां जहां वो रहा है उनको रिश्वत दी और इस मामले में 80 से ज्यादा जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पहले ही केस दर्ज किया था, लेकिन जो संदीप गोयल है जो डीजी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि उनको एलजी ने इन आरोपों के बाद डीजी पद से हटा दिया था और वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अटैच थे, लेकिन आज गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और ये इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। तो इंक्वायरी में जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसकी प्रक्रिया है, ये जरा समझना चाहेंगे कि कोई खास कमेटी बनाई गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा जिसने जांच की, उसके बाद ये फैसला लिया गया, किस आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया है? देखिए, बिल्कुल इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जिस तरह की एलिगेशन थी और शुरुआती जांच में उन एलिगेशन में कुछ सच्चाई पाई गई है, क्योंकि संदीप गोयल के अलावा जो तिहाड़ जेल के जो बहुत सारे अधिकारी हैं जिनमें सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जो वार्डर है, इनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और 80 से ज्यादा जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर से घूस लेने का केस दर्ज किया है। कोर्ट वर्ड के जरिए ये घूस ली जा रही थी और सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में करोड़ों रुपए जो जेल के अधिकारी हैं उनको घूस दी है और उसके बदले उसको लगातार जेल में सुविधाएं दी जा रही थी, जिसमें मोबाइल फोन था या जो दूसरी सुविधाएं थी वो दी जा रही थी। तो पहले ही जो तिहाड़ जेल के बहुत सारे अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और कई अधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं इस केस में, लेकिन जो डीजी थे उनका नाम लगातार आ रहा था लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उनको डीजी से हटाने के बाद उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी जिसमें शुरुआती जांच में जो आरोप है वो सही पाए गए, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब बाकी की जांच अभी बाकी है। शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।